सब्सक्राइब कीजिए हमारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस रिंग के बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। आपको मालूम होगा कि वाक्य मतलब होता है सेंटेंस, जैसे इंग्लिश में जिसे सेंटेंस कहते हैं हिंदी में उसे वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में भी देखो वाक्य में हमें क्या क्या पढ़ना, पहले देख लो। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा, इसके बाद वाक्यों के गुण, वाक्य के अंग, ठीक है, फिर वाक्यों के भेद, वाक्यों के गुण और भेद में दो प्रकार से पढ़ना है, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद और रचना के आधार पर वाक्यों के भेद, ठीक है, अंग और गुण परिभाषा, ठीक है ना। तो अपन को कुल मिला के देखा जाए वैसे रैंडमली तो 1 2 3 4 5 पांच पार्ट इसके पढ़ना है। इनको पहले बाहरी तौर पे एक स्ट्रक्चर बना लो, वो आपको लिख लेना है ना, कि एक करके चलते हैं। परिभाषा देखते हैं वाक्यों की। तो देखो सार्थक शब्दों के क्रम को, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहा जाता है, जिसका कुछ अर्थ हो, ठीक है ना। अर्थ का मतलब है जैसे कि मैं बोल दूं कि मैं पेन से या मैं मार्कर से खेत को जोतता हूँ, ठीक है ना, या मैं पेन से खेत को सींचता हूँ। अब पेन क्या खेत को सींच सकता है? तो इस प्रकार की बात जिसमें शब्द तो सार्थक होते हैं लेकिन उसका जो मतलब होता है वो गलत होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पेन का काम होता है, पेन की योग्यता होती है लिखने की, वो क्या एक खेत को सींच सकता है? नहीं। तो ये क्या वाक्य है? वाक्य नहीं है, ये सार्थक वाक्य ही नहीं है। ऐसे इंग्लिश में होता है, अगर बोलो ही किल्ड अ स्टोन, उसने एक पत्थर को मारा, है ना। तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आते थे पहले, है ना, उसने एक पत्थर को मारा, क्या कोई व्यक्ति एक पत्थर को मार सकता है? क्या पत्थर सजीव होता है? नहीं, पत्थर को नहीं मारा जा सकता, मतलब ही गलत है, एक सेंटेंस नहीं है। ऐसे ही इसको अगर मैं बोलूं मोहन ने पत्थर को मारा, मोहन ने पत्थर को जान से मार दिया, है ना, तो ये क्या है? ये सारे के सारे हिंदी में भी वाक्य नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अलग अलग करके ये परिभाषा हो गई, ठीक है ना। अब इसके अंग पे चलते हैं, वाक्य के अंग। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय, ठीक है। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। विधेय किसे कहते हैं? है ना, जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। जैसे मैं बोलूं मोहन बाजार जा रहा है, तो इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? मोहन के बारे में। तो मोहन हो जाएगा उद्देश्य और बाजार जा रहा है सब कुछ आ जाएगा विधेय में, ठीक है। तो उद्देश्य में क्या आता है? उद्देश्य में आता है कर्ता, और कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो सब उद्देश्य में आता है, और बचा हुआ भाग पूरा विधेय में आता है। अगर मैं बोलता हूं अगर मैंने ये वाक्य लिखा राम का भाई आज आ रहा है, अब मैंने आपसे पूछा बताओ इसमें उद्देश्य कौन सा है, विधेय कौन सा है, तो आपको बोलना चाहिए कि किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के भाई के बारे में। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य होता है और जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। तो इसमें राम का भाई क्या है? उद्देश्य। आज आ रहा है ये सब क्या है? विधेय। तो जो कर्ता पार्ट होता है वो उद्देश्य का होता है, क्रिया विधेय का भाग होती है। अगर मैं एक वाक्य लिखता हूँ उसमें कोशिश करो बताने की, है ना, अगर मैं बोलूं आपसे कि भोपाल से चलने वाली मालवा एक्सप्रेस ट्रेन आज लेट है, भोपाल से चलने वाली मालवा एक्सप्रेस ट्रेन आज लेट है, तो मैं बोलूं इसमें उद्देश्य कौन सा है, विधेय कौन सा है, तो आप बोलोगे भोपाल से चलने वाली मालवा एक्सप्रेस ट्रेन एक पूरा उद्देश्य है,
आज लेट है, 1 बजे होगा। अगर मैं बोलूं दिनेश के पिता संदीप आज भोपाल जाएंगे, दिनेश के पिता संदीप, ये पूरा क्या हो जाएगा? उद्देश्य, आज भोपाल जाएंगे, ये क्या होगा? विधेय। मैं बोलता हूँ बे जा रहे हैं तो बे उद्देश्य हो जाएगा, जा रहे हैं विधेय हो जाएगा, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, कर्ता का प्रसार कर देते हैं, है ना, तो वो उद्देश्य में जाता है, इसके अलावा बचा हुआ भाग विधेय में जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्रिया किसका भाग होती है, उद्देश्य का या विधेय का, तो विधेय का। कर्ता किसका भाग होता है, उद्देश्य का या विधेय का? उद्देश्य का, ठीक है। तो ये वाक्य के 2 अंग हो गए, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहलाता है, जो कुछ कहा जाता है विधेय कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाक्य के भेद की। तो देखो, अगर मैं बोलूं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 2 टाइप से बांटे गए हैं। देखो यहां पे कैसे, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कैसे याद करना है इसको, आप बार बार भूल जाओगे, ऐसे याद करो। रचना, इस शब्द में 3 वर्ण है, 3 अक्षर है, तो है ना। इसी प्रकार वाक्य रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। तो 8 भी हम कैसे लिखते हैं, आ से, और अर्थ भी हम कैसे लिखते हैं, आ से। तो वाक्य अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब जो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। कौन कौन से होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्रित, ठीक है। इसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, देखो, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, ठीक है। ये 8 प्रकार के होते हैं। कोई भी एक वाक्य देगा आपको, पूछेगा इसमें कौन सा है, हो सकता है पूछे सरल, संयुक्त, मिश्रित में कौन सा है, पूछ ले विधि, आज्ञा, निषेध, संकेतवाचक में कौन सा है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा कैसा होता है, किस वाक्य को में क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, विधिवाचक, निषेधवाचक, ये सब में वाचक लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ, देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आते रहते हैं, है ना, और ये आते तो ये भी हैं पर इसकी कंपैरिजन कम आते हैं। तो हम क्या करेंगे, आज इनको समझ लेंगे और वाक्य के जो गुण हैं उनको समझ लेंगे, ये पोर्शन है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेंगे, ठीक है। नहीं तो ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसमें है ना अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, साइज भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अभी पढ़ो यहाँ पे कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, आप भी याद करो, विधि, निषेध, आज्ञा, प्रश्न, विस्मय, संदेह, संकेत, इच्छा, 4-5 बार ऐसे कंटिन्यू बोलोगे याद हो जाएगा। अब विधिवाचक वाक्य देखो, विधि का मतलब होता है अफर्मेटिव, इंग्लिश में बोला जाता है, जिस वाक्य में किसी कार्य के किए जाने का बोध हो विधिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं बोलूं मोहन जा रहा है, वे खा रहे हैं, हम आ रहे हैं, पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा, विधिवाचक, ठीक है।
निषेध में क्या हो जाए, जहां पे भी नहीं लग जाए, वे नहीं जा रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं, सुमन नहीं पढ़ रहा है, अगर मैं बोलूं सुमन पढ़ रहा है विधिवाचक, सुमन नहीं पढ़ रहा है निषेधवाचक, ठीक है, तो विधिवाचक निषेधवाचक। अब बताओ आज्ञा और प्रश्न दोनों में, तो जिस वाक्य में किसी कार्य के किए जाने का बोध हो विधिवाचक वाक्य कहलाता है, जिस वाक्य में किसी कार्य के ना किए जाने का बोध हो निषेधवाचक कहलाता है, जिस वाक्य में आज्ञा दिए जाने का बोध हो आज्ञावाचक, जिस वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो प्रश्नवाचक। तो आज्ञावाचक अगर ऐसा कोई वाक्य दिया होता है, मोहन एक गिलास पानी लाओ, दिनेश अपना काम करो, मोहन सीमा को घर छोड़कर आओ, इस प्रकार की बात आज्ञावाचक, जिसमें आज्ञा का बोध आपको समझ में आ जाएगा, है ना, तो वहां आज्ञावाचक होता है, ठीक है। प्रश्नवाचक में क्या है, किसी भी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, जैसे मैं बोलूं आपका नाम क्या है, ये भी प्रश्न है, क्या आप बाजार गए थे, ये भी प्रश्न है, तो क्या से स्टार्ट होने वाले भी आज्ञावाचक में आते हैं, और कब क्यों कहां कैसे ये जो क्वेश्चन टैग लगे रहते हैं बीच में वो भी प्रश्नवाचक कहलाते हैं। अगर मैं बोलूं क्या तुम आज मार्केट गए थे, क्या तुम आज बाजार गए थे, तो उस सामने वाला जो भी है वो उत्तर देगा हाँ या नहीं में, तो क्या वाले जो वाक्य होते हैं उसका आंसर हाँ या नहीं में होता है, और कब कहां क्यों कैसे जो क्वेश्चन टैग लगाती है तो उसका आंसर देना पड़ता है, तुम कब जाओगे भोपाल, तुम भोपाल कब जाओगे, तो आंसर देगा, है ना, तुम भोपाल क्यों जाओगे, आप बोलोगे किसी से तब भी वो आंसर देगा, है ना, तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं प्रश्नवाचक। इसके बाद देखो विस्मयवाचक, विधि निषेध आज्ञा प्रश्न, विस्मय संदेह संकेत इच्छा, तो विस्मयवाचक में आपको वैसे समझ में आ जाएगा, कुछ उसमें एक कीवर्ड लगा रहता है, जैसे क्वेश्चन प्रश्नवाचक में क्या होता है, वाक्य के अंत में क्या है क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, तो जिस वाक्य में आपको अंत में क्वेश्चन मार्क दे दिया समझ लीजिए प्रश्नवाचक है। ऐसे विस्मयवाचक में क्या होता है, एक एक्सक्लेमेटरी साइन होता है इस प्रकार का, ये शो करता है कि विस्मय हुआ है, जब भी किसी व्यक्ति को कोई आश्चर्य दिखता है तो वो विस्मय सूचक का यूज करता है, जैसे मैं बोलूं हाय पप्पू पास हो गया, है ना, इस प्रकार किसी भी बात को वाक्य में इस प्रकार दिखाना कि बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ है, ठीक है, जैसे मैं बोलूं कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे मैं बोलूं हाय उसके माता पिता दोनों चल बसे, तो ये हाय लिख के क्या लिखेंगे, हाय, है ना, और हाय लिख के इस टाइप से कीवर्ड बना देंगे, तो इसका मतलब हो रहेगा कि क्या ये दुख को निरूपित कर रहा है, वाह तुम कितना अच्छा खेले, वाह तुम कितना अच्छा खेले, तो वाह बताता है उत्साह को, हाय बताता है दुख को, है ना, तो विस्मयवाचक। अब देखो संदेह से, जिस बात में किसी प्रकार के संदेह का बोध हो वहां संदेहवाचक वाक्य होता है, जैसे मैं बोलूं मोहन ने खाना खा लिया होगा, दिनेश घर जा चुका होगा, संदेह है, मैं बोल रहा हूँ चुका होगा, मुझे नहीं मालूम, मोहन ने खाना खा लिया होगा, है ना, दिनेश घर जा चुका होगा, वे पढ़ रहे होंगे, है ना, इस प्रकार का संदेह का बोध वहां संदेहवाचक होता है। बस इसको जब याद रखना, ये भूल जाते हैं, हिंदी में अजीब नाम है, पर इच्छावाचक तो बेसिक है, इच्छावाचक जिसमें किसी की इच्छा का बोध हो, जैसे मैं बोलूं भगवान करे आपकी यात्रा सफल हो, आपकी आयु लंबी हो, भगवान आपको सभी सुख दे, है ना, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इस प्रकार की जो हमारी इच्छा है, इच्छाओं को बताना कि भगवान ऐसा करे, भगवान आपकी उम्र लंबी करे, है ना, भगवान आपके इष्ट प्रकार जो भी है ना, ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे, इस प्रकार के जो वाक्य हैं उनको बोलेंगे इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ संकेतवाचक, संकेतवाचक को आप इंग्लिश में याद करना, इसको बोला जाता है कंडीशनल वाक्य, है ना, कंडीशनल, तो संकेतवाचक का मतलब क्या होता है कि एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन जुड़ जाती है, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, मैंने क्या बोला, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, ठीक है ना, तो आप खुद देखिए यहाँ पे कि अगर परिश्रम करोगे तभी सफल होगे, तो इस प्रकार के बाद यदि आज वर्षा होगी तो मैं खेत में जाऊंगा, यदि तुम भोपाल चलोगे तो मैं भी चलूंगा, इस प्रकार के बाद जो एक कंडीशन से, है ना, एक कंडीशन पे होने पर ही दूसरी कंडीशन होती है, यदि तुम भोपाल चलोगे तो मैं भी चलूंगा, अगर नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा, इस प्रकार को बोला जाता है संकेतवाचक वाक्य,
ठीक है। तो विधि में निषेध में नहीं, विधि में हाँ, किसी कार्य का होना पाया जाता है विधिवाचक, निषेध में नहीं होना पाया जाए, आज्ञा में आज्ञा का बोध होता है, प्रश्न में प्रश्न किए जाने का बोध होता है, संदेह में संदेह होता है, संकेत मतलब होता है कंडीशनल, ये बताया है ना, और विस्मय में विस्मय होता है, इच्छा में इच्छा का बोध होता है। इस प्रकार के वाक्य होते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। कोई भी एग्जाम्पल आएगा आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा वाक्य है, तो आप बता दोगे, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे इस वाक्यों के गुण की। यहाँ पे देखिए, इसको लिख लेना है एक बार, है ना, इसको लिख लेना है जो भी है, और मैं जूम करके एक बार दिखा देता हूँ आपको। चलो अब बात करते हैं वाक्यों के गुण की, है ना। एक्चुअली ये लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 16 मिनट का हो चुका है। तो वाक्यों के गुण और रचना के आधार पर वाक्यों के भेद, है ना, तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्रित। इन तीन लेक्चर में पूरा वाक्य हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। तो एक मैं एग्जाम्पल ले लूँगा, बाद में मैं सारे वाक्य शुद्धि से संबंधित जो भी एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, ठीक है। अच्छे से आप लिखते जाना सारे नोट्स को, और लिखने के बाद जो भी मैंने समझाया है उसको भी लिख लिया करो, है ना। और लिखने के बाद आप कोई भी बुक उठा के प्रैक्टिस एक्सरसाइज निकाल के प्रैक्टिस एक्सरसाइज और सॉल्व करके देखो, आपसे 80% क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर आपको समझ में आया हो वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना।